नमस्कार, मैं नाजमा अब्दी और आप देख रहे हैं न्यूज 30 एक्सप्रेस। और अब वक्त हो चला है इस वक्त की बड़ी और अहम खबरों का। राष्ट्रीय जनलोक पार्टी के कार्यकर्ताओं ने महंगाई और बेरोजगारी, युवाओं को लेकर, कोरोना जैसी महामारी को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। संयोजक शेर सिंह राणा और धोलाना विधानसभा प्रत्याशी ठाकुर प्रशांत तोमर और पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रत्याशी ठाकुर प्रशांत तोमर और सह संयोजक शेर सिंह राणा ने बताया कि यदि हमारा गठबंधन नहीं होता है तो हम उत्तर प्रदेश में सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। डीएम साहब के कार्यालय जाकर ज्ञापन देने वाले हैं। बेरोजगारी जो आजकल फैली हुई है, उसको बेरोजगारी को भगाने के लिए और रोजगार युवाओं को दिलाने के लिए, जो आजकल का युवा रोजगार को लेकर परेशान है और उससे अग्रसित है, उस चीज़ को लेकर हम डीएम साहब को ज्ञापन देने जा रहे हैं। आपके क्या क्या मांग हैं? मांग हमारी ये, या तो युवाओं को रोजगार मिले, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो या सरकारी सेक्टर में हो, या फिर उनको बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। सबसे अहम हमारी यही मांग है, क्योंकि आजकल युवा परेशान है, बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। सच्चा से आप धोलाना विधानसभा में चुनाव के लिए प्रत्याशी लड़ने जा रहे हो, तो इसके विषय में भी जनता के लिए क्या आश्वासन देना चाहते हैं? देखिए, विधानसभा से आने का हमारा एक ही सबसे बड़ा मुद्दा है कि जो आजकल हमारे युवा हैं वो परेशान हैं बेरोजगारी को लेकर, उसी चीज़ के लिए हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं कि आजकल जो युवा हमारे परेशान हैं, उनको हम, अगर हमारी सरकार आती है, राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य अगर विजय प्राप्त होती है, तो हम उसको लेकर आने वाले टाइम में जो हमारे युवा परेशान हैं और भी बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं समाज को लेकर, जनता को लेकर, उनका हम समाधान हर हाल में करेंगे। ये राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य का जो है हमारे तरीके से पूरा सहयोग करेंगे हर चीज़ से, और जो भी समस्या उनका निदान करेंगे। सर, उत्तर प्रदेश में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे आप? राष्ट्रीय संयोजक दादा शेर सिंह राणा जी हैं साथ में, वो आपको बताएंगे इस विषय में। मैं राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्ते का राष्ट्रीय संयोजक शेर सिंह राणा। देखिए, कितनी सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा, इस बात का फैसला इस बात पर निर्भर करेगा कि हमारा गठबंधन किसके साथ होता है या नहीं होता है। अगर हम अकेले चुनाव लड़ेंगे तो सभी सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा, और अगर गठबंधन किया जाएगा तो फिर जो भी गठबंधन में सीटें हमें प्राप्त होंगी उन्हीं पर चुनाव लड़ेंगे।